हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम इस क्लास में कुछ अलग से कुछ करने वाले हैं। अभी हमने आपको जो स्पीच चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, उसमें आपको अफर्मेटिव या असर्टिव और इंटरोगेटिव के बारे में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस, यदि रिपोर्टिव स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसे हम किस तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज कुछ अलग हटकर करने वाले, कुछ अलग चीज़ें करने वाले हम। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, माई ब्रदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू कैन डू इट। ये सेंटेंस है, माई ब्रदर सेट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, और रिपोर्टिंग स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। अब हमें यह देखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टिव स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो, हमने आपको बता रखा है कि यदि रिपोर्टिव स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर किसके अनुसार चेंज करेंगे? बच्चों, हम चेंज करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जैसे कुछ भी समझ देख के, माई ब्रदर सेड, और यहां पर हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे मी, कॉमा हटाकर दैट लगाया। अब इस यू को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे, आई कुड डू इट। समझ गए? यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऐसा नहीं है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू को चेंज नहीं करें, यू को हम चेंज करेंगे, हम उचित ऑब्जेक्ट मानकर यू को हम चेंज करेंगे। दूसरी चीज, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और रिपोर्टिंग स्पीच में उसे वोकेटिव केस के रूप में हम रख देते हैं। जैसे मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास मुकेश कॉमा यू डू नॉट डू योर वर्क डेली, यू डू नॉट डू योर वर्क डेली। अब देखिए, मोहन सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, मुकेश कॉमा लगाकर, मुकेश कॉमा लगाकर अलग किया गया सेंटेंस से। रिपोर्टिंग स्पीच में यदि किसी नाउन को कॉमा लगाकर उस वाक्य से अलग किया जाए तो उसे हम वोकेटिव केस बोलते हैं, यानी ये सुनने वाला है। और सुनने वाला कहां पर होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, पर वोकेटिव केस के रूप में, संबोधन केस के रूप में हमने इसको रिपोर्टिव स्पीच में रखा है। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे हम बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा? मोहन सेड, सेड को यहां पर टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड मुकेश दैट ही यहां पर हम लेंगे, ही ऑब्जेक्ट से आया है, और डू नॉट को डिड नॉट में, डू हिज वर्क डेली। अब देखिए, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट माना है तो यहां पर हम सेट टू को या सेट को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, पर यहां पर पहले दिया हुआ है हमारे पास, यहां पर हम सेट को टोल्ड में बदल देंगे। देखिए, एक सेंटेंस और देखते हैं हम, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास मालती कॉमा आई विल गिव यू माई बुक, आई विल
गिव यू माई बुक. ठीक है, अब यहां पर देखिए मालती को संबोधित किया गया है, कॉमा लगाकर वाक से अलग किया गया है. देखिए बच्चों, ये शुरू में भी हो सकता है, वोकेटिव शुरू में भी हो सकता है और वाक के अंत में भी हो सकता है. ये ऐसे भी हो सकता था, आई विल गिव यू माई बुक कॉमा मालती, ये बाद में भी हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. हाँ, ये वोकेटिव कैसे, इसको हम कह रहे हैं, ये सुनने वाला है तो इंडक्ट बनाएंगे, तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब में ले लेंगे. कैसे, यू टोल्ड मालती दैट ही विल को वुड में गिव. अब ये यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के मालती के चेंज करेंगे, हर माई फिफ्थ फर्स्ट पर्सन है, यू के अनुसार चेंज करेंगे. तो क्या हो जाएगा, यूर बुक. यू सेड कमाइन को मस मालती आई विल गिव यू माई बुक. यू सेड टू को टोल्ड, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बाहर आएगा तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे. यू टोल्ड मालती दैट कॉमा यू अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट कौन है, यू. यू वुड को विल को वुड में चेंज करेंगे, गिव. यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मालती है, मालती का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर होगा. माई फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होगा, माई पॉजिटिव केस है, तो यू का पॉजिटिव केस यूर बुक. समझ गए. अब एक चीज हमने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और सेकेंड पर्सन दिया गया हो तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मान लेंगे. ये कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में होता है, जब इंडायरेक्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के जो संबोधित किया गया उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बाहर ले आते हैं. अब हम तीसरा एक पॉइंट और देखते हैं कि यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी हो और रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन भी हो, किसी को संबोधित भी किया गया हो, जैसे आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमास माय फ्रेंड कॉमा यू शुड हेल्प मी. देखो बच्चों, कहानी में एक ट्विस्ट आ गया. क्या है, हमने आपको बताया यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट मान लेंगे, कई यदि संबोधित किया गया है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे. पर यहां पर ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास और वोकेटिव केस भी है. अब क्या करेंगे, अभी इसको बाहर निकालकर हम ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही है. ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बच्चों, हम एड्रेस करवाते हैं, संबोधन करवाते हैं. मींस आई ने हिम को माय फ्रेंड कहा है, समझ गए. आई ने हिम को, हिम ऑब्जेक्ट है, सुनने वाला है, पर हिम को क्या कहा है, माय फ्रेंड कहा है. तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, हम करते हैं एड्रेसिंग him as my friend, comma I told him that you according to object के चेंज हो जाएगा, he should का should ही रहेगा, help foundation form है, इसको ऐसे रखेंगे, मी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होगा तो मी का मी रह जाएगा. समझ गए. देखिए अब इसको हम एड्रेस करवाएंगे, एड्रेसिंग हिम एज माय फ्रेंड कॉमा, इसको कॉमा लगाकर अलग कर देंगे. देखिए आपने जब हम सिंथेसिस में पढ़ेंगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से नॉन फाइंड सेंटेंस पार्ट हो गया, एड्रेसिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से नॉन फाइंड वर्ब है, एड्रेसिंग हिम
एज माई फ्रेंड, ये माई फ्रेंड ऐसे की ऐसे कॉमा। अब यहां से हमने वाक्य शुरू किया, इस रिपोर्टिव वर्ब को हमने यहां पर रखा, सेट टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, आई टोल्ड हिम दैट, अब ये रिपोर्टिव स्पीच को हमने चेंज किया, रिपोर्टिव स्पीच, यू ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज होगा, ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, हिम मान लीजिए, माई फ्रेंड मान लीजिए, तो इसके अनुसार क्या होगा, ही शुड का शुड ही रखेंगे, हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होता है, सब्जेक्ट आई है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। जैसे लिखिए, द लीडर सेड टू द ऑडियंस, द लीडर सेड टू द ऑडियंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमा आई एम ग्लैड टू बी हियर विद यू। देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में द लीडर सेड टू द ऑडियंस, ऑब्जेक्ट कौन है, द ऑडियंस, ये ऑब्जेक्ट होगा, सुनने वाला होगा, यहां पर हमने संबोधित भी किया है लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर, किसको, ऑडियंस को। बच्चों यदि यहां पर ये ऑडियंस नहीं भी दिया होता, द लीडर सेड, यदि इतना भी होता द लीडर सेड, तो भी हम ये मानकर चलते कि लीडर किससे कहेगा, ऑडियंस से कहेगा, तो यहां पर यदि ऑडियंस नहीं होता तब भी हम मान लेते ऑडियंस, और उसी के अनुसार हम एड्रेस करवाते, क्या होता, एड्रेसिंग द ऑडियंस, एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमा द लीडर टोल्ड देम दैट आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होगा लीडर के, ही वाज ग्लैड टू बी हेयर को देयर में विद और यू, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑडियंस है, ऑडियंस प्लूरल होता है, या लेडीज एंड जेंटलमैन है तो विद देम।